तीन शिफ्ट होती थी, 8 घंटे ड्यूटी थी। और मैस का जो था सिस्टम था वो भी सही नहीं था, डस्ट इतना ज़्यादा डस्ट था कि आपको क्या बताएं, केमिकल्स डस्ट। और वहाँ वो ये भी लिखा था कि भाई तकरीबन 3 साल के बाद कंपनी आपका जिम्मेदार नहीं होगा हेल्थ के हवाले से। वहाँ पे तो मुलाजमत कंट्रैक्ट है, 1 साल कंट्रैक्ट देता है, जब साल पूरा हो जाता है उसके बाद कंट्रैक्ट देता है, या किसी एम्प्लॉय का वो कोई मसला हो जाए या उस पर एतराज़ हो जाए तो अगले साल उसको कंट्रैक्ट नहीं देता। और उसका यूनियन ना हो तो उनकी आवाज़ को कोई नहीं उठा सकता है, उनका कुकू कोई नहीं ले सकता है। अगर कोई बात करे तो उसे मुलाजमत से फारिग करते हैं कि भाई तुम तो लीडर बन गए हो, ये वो है, मतलब हकूक की बात करना वहाँ मना है। सैलरी दे देते हैं, तनख्वाह दे देते हैं, वो बेचारा वाम पे खर्च करे, खुद खाए या घर में भेजें, घर में बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, उनके लिए ईद भी आती है। मैंने ऐसे भी देखा है सांदक प्रोजेक्ट के मुलाजिम के बच्चे को ईद के जूते भी नहीं मिले। अगर इसी प्रोजेक्ट के पैसे इसी चादर पर खर्च कर लेते थे 2%, ज्यादा भी नहीं, इतना लालच हम भी नहीं करते, तो मैं कहता हूँ चागे की हालत आप खुद देख लीजिए ना, यहाँ पे स्कूलों की कमी होती थी ना अस्पतालों की कमी होती थी, कोई भी हॉस्पिटल कुछ